बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल ब्लास्ट के बाद दिल्ली मुंबई में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है दिल्ली पुलिस। दिल्ली में सभी चर्च की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। त्योहारों को देखते हुए विशेष सुरक्षा यहां पर की गई है। देखिए, मुंबई में वर्ल्ड कप मैच को लेकर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वानखेड़े स्टेडियम में भारत श्रीलंका का मैच है। 3 नवंबर को भारत श्रीलंका के बीच मैच होना है। इसे देखते हुए खास सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। और जिस तरह से केरल में आज जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद खासकर मुंबई और दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है दिल्ली पुलिस। तो देखिए, केरल में जो आज एर्नाकुलम में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद देश भर के अलग अलग राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। केरल के बाद चाहे बात अगर दिल्ली की करें तो कई चर्चों की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब जो पूरा देश है वो अलर्ट मोड में आ गया है। मुंबई की बात करें, यहां पर तो वर्ल्ड कप का मैच भी होना है और ऐसे में मैच को लेकर भी अलर्ट यहां पर कर दिया गया है। और ऐसे में कई ऐसे राज्य जो आतंक के निशाने पर रहते हैं, खासकर उन राज्यों में अलर्ट घोषित किया गया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से प्रमोद शर्मा है और साथ ही मुंबई से साकेत राय भी जुड़ चुके हैं। साकेत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में वर्ल्ड कप का मैच भी होना है और देखिए जिस तरह का केरल में जो बड़ा मामला यहां पर सामने आया है, जो कई यहां पर सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद देखिए मुंबई भी अब हाई अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने बताया कि जो अलग अलग राज्य हैं, जिस तरह से केरल में आज सुबह धमाका हुआ, उसके बाद हर राज्य की पुलिस इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अलर्ट पर है। खासकर वो शहर जिनमें अमूमन आतंकियों के निशाने पर रहते हैं, उन शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुंबई पुलिस के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो सेंसिटिव इलाके हैं, खासकर मुंबई के वो इलाके जो 26/11 के समय आतंकी निशाने पर थे, एक इलाका वो जहाँ इस वक्त मेरी मौजूदगी है, छबाड़ हाउस, ये एक वो जगह है जहाँ पर आतंकियों ने हमला किया था। और अगर मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखें तो आप देखिए यहां पर पुलिस जो है वो बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। इसके पीछे की तरफ ये पूरा यहूदियों का कम्युनिटी सेंटर है, जिसे 26/11 के समय निशाने पर लिया गया था। और उसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल यहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाना वर्जित कर दिया है। आप अंदर नहीं जा सकते और वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी यहां पर फिलहाल अलाउड नहीं है। पुलिस ने जिस तरह से हमें जानकारी दी, उन्होंने बताया कि अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। जिस तरह से केरल में आज हमला हुआ है, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 2 तारीख को इंडिया वर्सेज श्रीलंका का मैच खेला जाना है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है साकेत, क्योंकि मैच होना और ऐसे में मैच को लेकर भी देखिए सुरक्षा व्यवस्था यहां पर काफी ज्यादा चौक चौबंद इंतजाम देखे जा रहे हैं। बने रही हमारे साथ, प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली देखिए राजधानी और ऐसे में आतंकी हमले के निशाने पर लगातार दिल्ली रहती है, लेकिन अब ये खबर आ रही है केरल की बात की किस तरह से दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, खासकर चर्चों को लेकर जो यहूदी जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस को भी पूरी तरीके से अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। तमाम जो चर्च दिल्ली में हैं, बड़े चर्च हैं या फिर भीड़भाड़ वाले बाजार हैं या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होती है, वहाँ की सुरक्षा जो है वो बढ़ाने के लिए बोल दिया गया है। तमाम जो स्पेशल सेल के जो यूनिट्स हैं वो लगातार सेंट्रल एजेंसीज के संपर्क में है। और जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली है तो पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को ये लगता है कि ये मॉड्यूल है और ये हो सकता है कि केरल के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए किसी बड़ी वारदात के फिराक में हो। जिस तरीके से केरल के एर्नाकुलम में आज जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद ये कहीं और ना हो, सवाल ये उठता है कि केरल में जो एक के बाद एक लगातार आज सुबह जो ब्लास्ट हुए हैं, इस ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या था? जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एर्नाकुलम ये इलाका, जहां पर ये कन्वेंशन सेंटर है, क्या इसके पीछे की कोई मकसद के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? ताजा अपडेट बताइए। देखिए, अभी तक कौन सा ग्रुप है इसके पीछे है वो उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। खास तौर पे एक खास कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया गया है और वहाँ पे ही ब्लास्ट किए गए। 3 दिन के लिए वो कन्वेंशन सेंटर बुक हुआ था और आज आखिरी दिन था, रविवार का दिन होने की वजह से 2,350 लोग वहाँ पर मौजूद थे और एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। टिफिन के अंदर आईईडी को प्लांट किया गया था और वहाँ पर जब ब्लास्ट हुए तो टिफिन के कुछ ट्रेसेस जो है वो पुलिस को मिले हैं और अब एनएसजी की बीडीएस और देखिए एनआईए लगी हुई है, आईबी की टीम भी पहुंची हुई है। और